प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में आप बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सावन के महीने में आप अपने कमजोर चंद्रमा को कैसे मजबूत कर सकते हैं, कैसे लाभ पा सकते हैं। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के लिए आज का दैनिक राशिफल क्या है, उनका दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि सावन का और चंद्रमा का आखिर संबंध क्या है। देखिए, सावन के महीने में वर्षा ऋतु का प्रभाव होता है और वर्षा ऋतु के जो स्वामी हैं वो स्वयं चंद्रमा हैं। सावन के महीने में चंद्रमा विशेष शक्तिशाली होता है और चंद्रमा की हर शक्ति के नियंत्रक, चंद्रमा की हर शक्ति के पीछे जो देवता हैं वो भगवान शिव हैं और भगवान शिव की कृपा से ही चंद्रमा की समस्या को दूर किया जा सकता है। इसीलिए सावन में भगवान शिव और चंद्रमा की उपासना करने से चंद्रमा की हर समस्या को दूर कर सकते हैं। सावन का महीना भगवान शिव का महीना और चंद्रमा के नियंत्रक देवता भगवान शिव, इसीलिए सावन के महीने में अगर आप प्रयास करें तो चंद्रमा की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, संतान का सहयोग और प्रेम मिलेगा आपको, धन की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, परिवार में शुभ कार्य होंगे, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, संतान की चिंता हो सकती है, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को हरे फल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। कर्क राशि, मानसिक तनाव कम होता जाएगा, करियर की स्थितियों में सुधार होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि अगर कुंडली में चंद्रमा संबंधी कोई समस्या हो तो क्या उपाय करें। चंद्रमा का ग्रहण योग हो, के मद्रुम दोष हो, चंद्रमा बहुत खराब स्थिति में हो, समस्या दे रहा हो तो क्या करेंगे। सावन की किसी भी रात को एक उपाय करिए, स्नान करके भगवान शिव के सामने बैठिए, उन्हें अपनी उम्र के बराबर बेल पत्र अर्पित करिए और रुद्राक्ष की माला से 3 माला एक मंत्र पढ़िए, ओम चंद्रशेखराय नमः। इस मंत्र का 3 माला जप करिए और इसके बाद चंद्रमा का मंत्र 3 माला पढ़िए, ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का भी 3 माला जप करिए। इसके बाद भगवान शिव से चंद्रमा की समस्या दूर करने की प्रार्थना करिए। जिस रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जप किया है या तो उसे धारण कर लीजिए हमेशा के लिए या अपने पास उस माला को हमेशा रखे रहिए। चंद्रमा की समस्या को दूर करने के और भी उपायों पर बात करेंगे लेकिन इसके पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशि।
सिंह राशि, परिवार के तनाव कम होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रोटक, नो योर फेट। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, पारिवारिक स्थिति बेहतर होगी, नए काम की शुरुआत हो सकती है। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, कारोबार में सफलता मिलेगी, छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब मान लिया कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो क्या उपाय करें कि आपकी कुंडली का चंद्रमा मजबूत हो जाए। चंद्रमा को मजबूत करने का उपाय सावन के किसी भी सोमवार को करना बेहतर होगा। सावन के किसी भी सोमवार को शाम के समय में भगवान शिव के सामने बैठिए, उन्हें भांग, धतूरा और बेलपत्र अर्पित करिए, एक चांदी का अर्धचंद्र भी अर्पित करिएगा। पहले भगवान शिव के मंत्र ओम आशुतोषाय नमः, ओम आशुतोषाय नमः इस मंत्र का जप करिएगा और इसके बाद चंद्रमा का मंत्र पढ़िएगा, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। जब पूजा समाप्त हो जाए तो इस अर्धचंद्र को लाल धागे में डाल करके अपने गले में पहन लीजिएगा। अब ये जानते हैं कि सावन में किन और उपायों से चंद्रमा मजबूत होगा। अगर आप अपने चंद्रमा को बेहतर करना चाहते हैं तो सावन में नियमित रूप से शिवलिंग पर चंदन अर्पित करिए, निर्धनों को सफेद मिठाई या खीर का दान करिए, चांदी की कोई चीज या मोती सलाह लेकर के धारण करिए और रोज रात में चंद्रमा के मंत्र का जप करिएगा, ओम सोम सोमाय नमः। चलिए अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में लाभकारी बदलाव होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होंगे। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में आज विवादों से बचिएगा, धन के खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा, शिक्षा पर विशेष ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मीन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए आज का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं क्या है आज का उपाय।
आज प्रातः काल भगवान गणेश को थोड़ी सी दूर्वा अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसी दूर्वा में से थोड़ी सी दूर्वा दूब घास अपने पास रख लीजिएगा। अगर आज प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।